आपने ओके तो एंड्रॉयड है क्या? व्हाट इज एंड्रॉयड? डिवाइस है, टैबलेट है, फोन है, सॉफ्टवेयर है, क्या है? उठ करके कोई एक बोलिए। सॉफ्टवेयर। एनीवन? और कोई? यस। बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, और भी कुछ है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सर, एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन को करता है। ओके, बैठ जाइए, एंड्रॉइड इज ए ओपन सोर्स लाइनेज बेस्ड कम। ओपन सोर्स क्या होता है? इजीली अवेलेबल तो विंडो भी है, तो क्या ओपन सोर्स है वो? लाइसेंस फ्री, लाइसेंस फ्री है, इसमें कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको आता है तो गिटहब पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, चेंजेस कीजिए और कोड को पुश कीजिए। अगर आपको लगता है कम्युनिटी की ये गुड है तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। अब आते हैं, एंड्रॉइड की ज़रूरत क्यों पड़ी? और 2003 में एंडी रूबिन ने तीन दोस्त ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जो एक शुरू में या स्टार्टिंग में एक डिजिटल कैमरा प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि फीचर जो है ये इसके लिए स्टेबल्स नहीं है, ये और आगे तक जा सकता है। जैसे अभी एंड्रॉइड जो है शुरू में टच स्क्रीन के लाया था, आज आप देखेंगे टीवी में भी आता है, कार में भी आ रहे हैं, इवन आपके लैपटॉप में भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा शार्क टैंक, कोई भी शार्क टैंक दिखते हैं? उसमें एक देखा होगा प्राइम बुक नाम से, एक नए आए थे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप। कैसा क्यों पॉसिबल है? जियो पे बुक भी आपने देखा होगा न्यूज में, फेसबुक पे बताते हैं। जब एंडी रूबिन काम कर रहे थे 2003 में, तो उन्होंने देखा कि ये डिजिटल कैमरा के ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नहीं ये इससे आगे भी जा सकता है। तो उसने 2005 में गूगल के पास गया, बोला कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। उस समय एप्पल भी अपने एक iOS प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी, तो गूगल ने देखा कि अच्छे प्रोजेक्ट है तो उसने एक्वायर करा। लेकिन जो बना था, कंपनी जो बनी थी, एंड्रॉइड INC नाम की कंपनी ने इसको डेवलप किया था, बाद में 2005 में गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया। अब आते हैं, इट वॉज इनिशियल टू बी डेवलप बाय एंड्रॉइड INC। मार्कर अच्छा, ये टच है, जिसको आता होगा थोड़ा कोऑर्डिनेट कर देना। इट इज डेवलप्ड बाय एंड्रॉइड INC कंपनी इनिशियल, बाद में गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया 2005 में। और ये ओपन इनहांस क्या होता है? जब गूगल ने देखा कि एक हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एक ओपन सोर्स है, उस समय iOS भी काम कर रही थी, तो उन्हें 84 फर्म्स को इनवाइट किया कि आइए मैं एक ओपन सोर्स पे काम कर रहा हूँ, आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। जैसे मैंने बताया ओपन सोर्स है, तो इससे आप अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको आता है उसमें चेंजेस कर सकते, आप अपना भी कंट्रीब्यूशन में आपका नाम ऐड ऑन होगा, इसमें कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन दी। उसी समय 2007 ने इसको इनिशियलाइज किया था 84 फर्म्स को। फिर 2008 में ऑफिशियली जो है ना गूगल ने इसको अनाउंस किया था। अच्छा ठीक, और जो कि ये फास्ट डेवलपमेंट है, आप जावा एंड कॉटलिन यूज कर सकते हैं, जो कि कॉटलिन अभी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, उससे पहले जावा आपका एक ऑफिशियल लैंग्वेज था। अभी अगर इससे भी अगर आगे जानना चाहते हैं तो जेट पैक कंपोज है, अभी इनिशियल में है जेट पैक कंपोज। हम लोग एंड्रॉइड को क्यों यूज करते हैं? यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, और भी कुछ?
जी वाई तो सारे में है, इसमें नहीं है जी वाई। ओके इजी टू यूज, इजी टू हैंडल। क्या बोला, बोलिए उठ करके। ये रिमूव कैसे होगा? नहीं आता है भाई, बता देना। यूजर फ्रेंडली है, फास्ट लोडिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, हम लोग इसको डेटा सर्वर पे लोड कर सकते हैं। एबिलिटी टू वर्क इन ऑफलाइन मोड, बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में भी, जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, हमने भेज दिया आपको हाय, कल भी देख सकते हैं, अगर इंटरनेट नहीं है भी परसों भी देख सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, गूगल मैप है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, फ्लेक्सिबिलिटी टू अनलिमिटेड अपडेट्स। अभी देख रहे हैं अपडेट्स जो है गूगल का हमेशा आते रहता है, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं अभी भी, जितने सारे लैंग्वेज को जानते हैं आप ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितने सारे लैंग्वेजेस हैं, हाँ आप डेवलप कर सकते हैं। क्या नहीं नहीं सी नहीं, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उड़िया। अब आते हैं एवोल्यूशन। जब 2008 में गूगल ने लॉन्च किया था, उस समय एंड्रॉयड 1.0, फिर कपकेक, अल्फा भी इसको नाम दे सकते हैं आप, और इसको बीटा भी नाम दे सकते हैं। फिर आया जो है ना कपकेक, इसके बाद देखेंगे सारे जो है पाई तक, एक स्वीट्स और चॉकलेट के नाम पे है। फिर क्या हुआ, पाई के बाद जो है ना गूगल को इशू होने लगा कि आखिर क्या नाम दे, तो उसने जो है ना नंबर से डिनोट करना स्टार्ट कर दिया। अभी एंड्रॉयड 13 है, 14 पे वर्क चल रही है ऑफिशियली अभी। नहीं, ये स्वीट्स USA में ज़्यादातर स्वीट्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लेकर के जो है ना उन्होंने नाम दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एंड्रॉयड को ये एंड्रॉयड ही नाम क्यों पड़ा? एनीवन, पहले आप लोग शांत हो जाइए, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, आप लोग क्या बोल रहे हैं? बना दिया होगा, क्या होता है बनाने, तो कुछ भी दे सकता था, कप के भी दे सकता था, डोनेट भी दे सकता था। हाँ ठीक है। एंडी रूबिन, जैसे आपने बताया शुरू में, एंडी रूबिन जो डेवलपर थे उनके, और तीन मेन रोल था एंडी रूबिन का ही, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो मल्टीपल उस टाइम पे मल्टीपल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे थे, और ज़्यादा तो उनका स्कोप था रोबोट पे काम करना। तो देखेंगे एंडी प्लस ड्रॉइड, ड्रॉइड का मतलब होता है रोबोट, और आपका लोगो भी देखेंगे ये रोबोट का है, इसीलिए दोनों को कंबाइन कर दिया गया और बाद में बना एंड्रॉयड। कपकेक को लाया गया, डोनेट, एक लेयर, फ्रोयो, फिंगर ब्रांड, हनी बर, आइसक्रीम, अच्छा ठीक है, आप लोगों को नाम याद है तो लॉलीपॉप में क्या फीचर आया था इतना बता दीजिए, बस खाली नाम याद है। एंड्रॉयड फ़ोन तो सबको यूज करते हैं, हाँ जो सिंपल था आपने उन्होंने याद कर लिया, और बाकी कौन याद करेगा।
एंड वाइल लॉलीपॉप में मेटेरियल यूआई का जो है ना इंट्रोड्यूस किया गया था, मेटेरियल यूआई। आप देखेंगे एंड वाइल लॉलीपॉप में उस समय से इसके पहले भी था, तो यूआई देखेंगे अगर आप लोग फोन यूज किया होंगे उससे पहले वाला, तो उसका जो है यूआई डिफरेंस था। अभी जो है विंडोज 11 है और विंडोज 10 का डिफरेंस था, 7 का डिफरेंस था, वो था डिफरेंट। तो ऐसा ही 5.0 में जो है मेटेरियल यूआई का जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। मेटेरियल यूआई क्या होता है? न्यू थीम, न्यू कलर पैटर्न। आइसक्रीम सैंडविच में जीपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। डोनेट में HTML5 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ये टर्न बाइक को किया गया था, फिर इसमें ब्लूटूथ को सपोर्ट किया गया था। ऐसा ही 6 तक नए नए फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया था। 5 में मेटेरियल यूआई को इंट्रोड्यूस किया था, और 6 में आप लोग देखे होंगे अभी हम लोग कैमरा का परमिशन देते हैं। फेसबुक यूज करते होंगे तो आप लोग नोटिस किया होगा परमिशन अलाउ। तो ये 6 से जो है सिक्स से इंट्रोड्यूस किया गया था मेटेरियल यूआई। अच्छा मार्शमैलो परमिशन, और अभी एंड्रॉइड 13 है, हाँ अभी 14 पे वर्क कर रहा है, नहीं 14 पे अभी वर्क चल रहा है, अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ। अब लोग लेट क्यों हो गए? नेक्स्ट टाइम से लेट मत होइएगा। किसमें? मेटेरियल यूआई पे ही केवल काम हो रहा है अभी, मेटेरियल यूआई। नहीं नहीं एम आई यू आई डिफरेंट चीज, मेटेरियल यू आई डिफरेंट चीज। नहीं देखिए ओपन सोर्स का यही फायदा है, ओपन सोर्स का फायदा है क्या, विंडोज में आप देखें विंडोज 11 है, और भी कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है वही मिलता है। लेकिन आप एंड्रॉयड में देखे होंगे, जैसे आपने एम आई का फ़ोन बताया एम आई यू आई, सैमसंग का वन यू आई है, वीवो का फन टच है, ओप्पो का कलर ओएस है, वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस है। ये आपका जो है ओपन सोर्स का फीचर, मतलब आप अपना चेंजेस कर सकते हैं, आपने डाउनलोड किया आपको लगता है आप उसमें चेंजेस करके रन कर सकते हैं। और भी फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, और भी इम्प्रूव, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का इम्प्रूवमेंट किया है, हाँ हाँ वो मैं बताऊँगा। आप अभी आप देखिए होंगे कि जो है पहले क्या होता था, बैकग्राउंड में लोकेशन को जो है ना एनहांस करता था, एक्सेस करते थे, अभी इसको प्रिवेंट कर दिया गया है। आप लोग बैठ जाइए, पहले सीट नहीं है क्या? मार्केट में और भी सारे ओएस है, iOS बाय एप्पल, विंडोज का है, ब्लैकबेरी है, जावा है एंड नोकिया है, ये सारे मोबाइल ओएस है। नहीं अदर मोबाइल ओएस है, नहीं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का एक बना था ना, हाँ उसको कन्वर्ट, यस उसमें मॉडिफाई करके मोबाइल के लिए जो है ना यूज किया। जैसे अभी आप जो एंड्रॉयड फ़ोन होंगे
आ रहा है किस में, आपका ये लैपटॉप में आ रहे हैं, ये मॉडिफाई करके, ये ओपन सोर्स का फ़ायदा है उसमें भी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ही केवल इसको डेवलप किया था, तो चेंजेज कर करके मोबाइल में लुमिया के साथ कंट्रीब्यूशन करके वो डेवलप किया था। क्लियर है? अच्छा, एंड्रॉयड बेटर है कि आईओएस बेटर है? आईओएस बेटर है। कैसे? सिक्योरिटी लेवल पे आईओएस ठीक है, ठीक है। आईओएस का कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। सिक्योर है, फास्ट है, ऐप क्वालिटी है उसमें मिलेगा आपको, एंड्रॉयड में बहुत सारे स्पैम मिलेंगे एप्लीकेशन अभी भी आपको, मैकओएस पे ये काम करता है ओनली, एप्पल एप्लीकेशन में भी रिजेक्ट होते हैं क्योंकि वो आप गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, इसमें कुछ एंड्रॉयड में कुछ भी आप पब्लिश कर दें वो इजी हो जाता है। इसीलिए तो अब आते हैं, एंड्रॉयड का क्या है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पे आ जाता है। आप अगर आईओएस डेवलपमेंट करेंगे आपको मैकबुक चाहिए जो कि कॉस्टली होता है, ये आपका जो है लोएस्ट रिक्वायरमेंट पे रन कर जाता है। एचडीके है, फ्री है इसका, जैसे मैंने बताया ओपन सोर्स है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। आपको नहीं पता कौन से ईयर में है आप? गेम इंजन फ्री है इसका। इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, मेक मनी लेस देन आईओएस, आपको कम सैलरी मिलेगी एंड्रॉयड में स्टार्टिंग में, बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अरे ऐसे क्यों पढ़ना था, काम पढ़ना था, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चुप रहो। मोर स्पैम है इसमें, लो क्वालिटी ऐप एंड गेम्स है। एंड्रॉयड जो बना है, एप्लीकेशन जो आप बनाए हैं, ये सारी चीज़ों से मिलकर के ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनता है। एक्टिविटी, इंटेन, सर्विसेस, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। मैं बताता हूँ क्या है ये सारी चीज़ों को मैं करूँ। ऐसे भी हैं स्टूडेंट जो पहले से ट्रेनिंग ले चुके हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं यूट्यूब पे, कोई भी है ऐसे स्टूडेंट? कौन है आप? आप लोग का वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो चुका है? अभी चल रहा है, ठीक है। वेब में आप देखेंगे हर में एक पेज बनता है, इंडेक्स पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, वेब में होता है। वैसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक्टिविटी होता है, लॉगिन पेज हो गया, फीड स्क्रीन पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, उसमें हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, और वेब में हम लोग क्या पेज बोलते हैं? इंटेंट। इंटेंट क्या होता है? हम लोग कोई भी एक स्क्रीन से डिफरेंट स्क्रीन पे जाने के लिए इंटेंट का यूज करते हैं, लॉगिन से हम लोग होम पे जाने के लिए इंटेंट का यूज करते हैं। सर्विसेज क्या होता है? जो हम लोग बैकग्राउंड में रन करते हैं, यूजर को नहीं दिखता है बट वो बैकग्राउंड में काम करता है। कंटेंट प्रोवाइडर, अभी आप लोग देखेंगे आपका कॉन्टैक्ट जो है इजिली एक्सेस हो जाता है फेसबुक को,
व्हाट्सअप को इजीली एक्सेस हो जाता है। आप नंबर सेव कीजिए फेसबुक पे, जो है ना आपसे उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगा या फिर आपको उसमें शो करने लगेगा दिस पर्सन सजेशन में। तो वो ईजी होता है कंटेंट प्रोवाइडर की वजह से, क्योंकि वो कंटेंट को जो है ना शेयर करता है इंटेंट को। हाँ फिर से समझता हूँ। आप देखो होंगे लॉग इन स्क्रीन फेसबुक का, आप अपना आईडी डाले लॉग इन किए, जो डिफरेंट स्क्रीन पे जाता है होम स्क्रीन पे, इसका बीच का जो सुनारियो होता है हम लोग, ये इंटेंट काम करता है इसके थ्रू। ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, अभी आप लोग फ्लिपकार्ट पे देखोगे सेल का नोटिफिकेशन आता है, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू मिलता है। देखिए एक्टिविटी जैसा मैंने बताया, ये लॉगिन स्क्रीन है, ये होम पेज है। ये यहाँ पे इंटेंट काम कर रहा है, ये लॉगिन स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन या फिर फीड स्क्रीन बोल सकते हैं आप, या फिर एक्टिविटी बोल सकते हैं। अगर आप जावा में पढ़ेंगे तो अगर एक्टिविटी बोलेंगे ऐसे ही स्क्रीन हम लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। कोई भी एक एप्लीकेशन का एक लाइफ साइकिल होता है। ये लाइफ साइकिल क्या होता है भाई? नहीं आता कोई आके करो आगे के लिए। बढ़िया। अरे हो गया हम पढ़ाए।